सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग आज सीखेंगे टेबल। ये हमारा टेबल जो है इससे संबंधित क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए वही तरीका जैसे कि मैं अभी नोटपैड यूज़ आपके लिए करके आपको बता रहा हूँ, जैसे कि HTML हम लोग ले रहे हैं, हेड और बॉडी ये लेना मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया रखा है। और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग .html से, और जब आप इसे अल्ट टैब करते हैं तो आपकी जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर ये इस तरह से शो करता है। तो अब देखिए टेबल के बारे में आप समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी आपको। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि टेबल बनती कैसे है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा टेबल, मैं एक बार बॉर्डर नहीं ले रहा हूँ, आपको पता रहे कि हो रहा क्या है। मैंने एक रो लिखी TR, TR होता है रो के लिए, TD जो होता है वो होता है कॉलम के लिए, और TH जो होता है वो हेडिंग के लिए होता है। जैसे अगर मान लो मैं हेडिंग से स्टार्ट करना चाहूँ तो हेडिंग से कर सकते हैं। एक बार आपको रो लेके बताते हैं। TR रो मैंने लिया नेम, और ये जो रो हमारी शुरू हुई है इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं कॉलम। तो रो बदलते ही हमें एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी, तो हमने लिखा TD फर्स्ट कॉलम। कॉलम को हम लोग TD को हमने क्या किया, बंद किया। इसी तरह से हमने क्या लिया, एक ओ ले ली। जैसे मान लीजिए मैंने लिया TD नेक्स्ट, फिर क्या लिया एज, फिर उसे भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो कितने कॉलम हो गए हमारे, दो कॉलम, एक नेम हो गया और एक एज हो गया। इसी तरीके से अगर हमने वापस से लिखा TD, और अभी एक बार मैं इतना आपको करके दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको आगे लेते हैं। और फिर मैं लिया रो को, रो से मैंने बंद किया, और लास्ट में मैंने एक टेबल को बंद किया। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए समझिए। कंट्रोल एस किया, ये टेबल हमारी शुरू हुई थी, इस टेबल को मैंने टेबल से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये रो हमारी शुरू हुई, रो को मैंने रो से बंद कर दिया। ये मैंने TD कॉलम लिया है, TD को TD से मैंने बंद किया, एक कॉलम TD को शुरू किया, TD को TD से बंद किया, दूसरा कॉलम, दो कॉलम हो गए। बॉर्डर इसके चारों तरफ दिखेगी नहीं क्योंकि मैंने अभी एट्रीब्यूट लेने शुरू नहीं किए हैं। मैंने कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब किया और F5 किया। यहाँ नेम और एज दो दिख रही है। अब मैं वापस से अल्ट टैब कर रहा हूँ और टेबल के अंदर आपके बॉर्डर डालते हैं। तो मैंने लिखा बॉर्डर बराबर एक, एक की बॉर्डर ले रहे हैं। कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब किया, F5 किया, ये देखिए। अब मैं इसको बड़ा करके आपके रखते हैं ताकि समझ में आ जाए, ये आपकी बॉर्डर है। तो टेबल ऊपर नाम आ रहा है, फिर नेम और एज, दो कॉलम बने, एक TD सेकेंड TD फर्स्ट TR, और ये एक ही रो है इसलिए TR एक ही है। एक कॉलम और बनाना हो तो क्या करेंगे, वापस से TD और फिर क्या यूज करेंगे, जो भी कॉलम का नाम है, और फिर हम उसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए कंट्रोल एस अल्ट टैब आपने किया और F5 आपने किया, कितने कॉलम हो गए, तीन कॉलम हो गए। TD के द्वारा नेम, एज और क्लास, थ्री कॉलम। अब हम लोग आते हैं टेबल के एट्रीब्यूट पे। अब देखिए सबसे पहला एट्रीब्यूट मैंने बॉर्डर आपको लेके बताया, ठीक है। अगर आप बॉडी में कोई कलर वलर देना चाहते हैं तो वो हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताते ही हम लोग BG कलर बराबर रेड और टेक्स्ट बराबर वाइट, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। ये देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ये आ रही है हमारी, ये बॉर्डर जो आ रही है वो एक की आ रही है, वन की बॉर्डर आपकी शो हो रही है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एट्रीब्यूट मैं शामिल करता हूँ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बॉर्डर के बाद में सेल विड्थ, विड्थ ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे चीज़ें लेंगे। विड्थ मैंने लिए, विड्थ मैंने ले ली इसकी 100 की, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, तो विड्थ कितने की है हमारी, 100 की, और इसकी कैपेसिटी और बढ़ाते हैं हम लोग, मान लीजिए 400 के लेते हैं। ये देखिए विड्थ इसकी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि पहले 100 का तो था ही वो,
तो इसलिए उस पर फर्क दिखाई नहीं दे रहा था, ये विड्थ आपकी हो गई। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि मुझे हाइट चेंज करनी है, तो हम लोग हाइट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम लोग वापस से अल्ट टैब, मैं ये जो एक कॉलम लिया है, एक रो यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कंट्रोल सी कॉपी और वापस से इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल वी, कितने हो गए, दो हो गए। देखिए एक तो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच गैप डाल देते हैं, और एक ये हो गया। तो एक ये मैंने बनाया, एक रो हमारी बनी हुई थी, एक रो और शामिल कर ली। तो अब ये कैसा शो होगा, देखिए अल्ट टैब F5, ये ऐसे शो होगा। वापस से और देखिए, एक और बना लेते हैं ताकि हमें और अच्छा समझ में आ जाए। तो अब हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब किया, F5 किया, कितने रो हो गई, तीन रो हो गई। तो अगर हम लोग टेबल के एट्रीब्यूट देख रहे हैं, तो हम पहले वाले टेबल के अंदर बॉर्डर मैंने आपको लेके बताया, विड्थ मैंने आपको लेके बताया, विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं 300। अब देखिए F5, ये विड्थ आपकी आ गई। अब देखिए हाइट में चेंज करके देखते हैं, हाइट मान लीजिए हमने ले ली 400, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ये हाइट, हाइट ज़्यादा जा रही है। वापस से अल्ट टैब कम करते हैं, 200 की लेते हैं, कंट्रोल अल्ट टैब F5, ये देखिए। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट लेकर इसमें बदलाव आप देख रहे हैं। तो ये अभी तक मैं केवल टेबल के एट्रीब्यूट ले रहा हूँ, विड्थ हो गया, हाइट हो गई, ठीक है, इसको और कम कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है, अलाइन, अलाइन में ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखा अलाइन, ALIGN, अलाइन बाई डिफॉल्ट लेफ्ट आ रहा है, इसको राइट में लेके जाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, राइट में चला गया। वापस सेंटर में लेके आते हैं, सेंटर में आ जाएगा, राइट लिखा अलाइन, उसके बदले आप क्या लिखेंगे, सेंटर, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, सेंटर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो है सेल स्पेसिंग, है ना, सेल स्पेसिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसके विड्थ हाइट हमने ले रखी है, यहाँ पर ही अलाइन सेंटर पड़ा है हमारा, इसमें हम लोग लेते हैं सेल स्पेसिंग। मैं इसके इसमें से कुछ चीज़ें हमें कम करनी पड़ेगी ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए, मैं इसको हाइट हटा रहा हूँ। अब मैंने क्या ले ली, सेल स्पेसिंग, क्या लिखा, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग ले लेते हैं। अब देखिए फर्क, मान लीजिए मैंने एक बार 5 का लिया या 10 का ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस हमने किया, अल्ट टैब हमने किया, F5 हमने किया, सेल स्पेसिंग क्या बढ़ा, आपने ध्यान दिया यहाँ पर। वापस से देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, 0 करता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, दिख रहा है आपको सेल स्पेसिंग। ये बीच का बॉर्डर देखिए आप कितना आ रहा है, केवल बॉर्डर बॉर्डर आ रहा है आपके, और कोई चीज़ आ रही है इसमें, स्पेसिंग आ रही है, नहीं आ रही। सेल स्पेसिंग बढ़ाते हैं, एक बार 5 का बढ़ा के बताते हैं आपको, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ये देखिए इसके बीच का स्पेसिंग बढ़ गया। अब आप कहेंगे ये तो बॉर्डर बढ़ रहा है, बॉर्डर ये है आपकी, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। अब इस बॉर्डर को अगर हमें चेंज करना हो तो अब आप बॉर्डर पर देखिए फ़र्क, इसलिए मैंने बॉर्डर को नहीं हटाया था। मान लीजिए 5 का बॉर्डर हम लोग लेते हैं, कंट्रोल एस हमने किया, अल्ट टैब हमने किया, F5 हमने किया, ये देखिए ये क्या बढ़ा हमारा बॉर्डर, ये किस में चेंज आया है, हमारे बॉर्डर में चेंज आया है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझ में आ रही होगी कि कैसे सेल स्पेसिंग है, क्या सेल बॉर्डर है, ये एग्जैक्ट हमें अब शो हो रहा है। ये था हमारे सेल स्पेसिंग। अब मैं आपको बताता हूँ सेल पैडिंग क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, और मैंने ले लिया 2 का, कंट्रोल एस अल्ट टैब, पहले इस पर नज़र रखें F5, क्या फ़र्क पड़ा। आप इसे देखें थोड़ा ज़्यादा लेके बताते हैं, 10 का, अब समझ में आएगा आपको, कंट्रोल एस अल्ट टैब, ध्यान दीजिएगा चेंज कर रहा हूँ मैं, F5 प्रेस कर रहा हूँ, F5,
ये स्पेस, ये बीच का जो स्पेस था ये आपका चेंज हो गया, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ का यहाँ का स्पेस चेंज हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पेडिंग। क्या कहलाएगा ये, सेल पेडिंग। तो ये आपने कौन सा देखा, टेबल का जितने एट्रीब्यूट थे, टेबल के एट्रीब्यूट में हमने क्या किया, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, विड्थ, हाइट और अलाइनमेंट। अब आता हूँ मैं रो पे, एक चीज़ और मैं शामिल पहले से कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। अगर मैंने इसको टी एच लिया होता है, हेडिंग ली होती इसको टी आर, और इसको लिया होता टी एच, इसको भी हम लोग टी एच ले लेते हैं, और ये सारे के सारे हम इसको टी एच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, हेडिंग। तो ये भी आपको पता रहेगा, आपने कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब किया, F5 किया, हेडिंग। हेडिंग बोल्ड हो गई है, सेंटर अलाइनमेंट हो गया है, ये सारी चीज़ें हेडिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने क्या किया, टी एच लेके मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आता हूँ आपके रो से संबंधित क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब आते हैं इस रो पे, इसमें सबसे पहला मैं ले रहा हूँ अलाइनमेंट। मैंने लिखा अलाइन बराबर राइट, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, ध्यान दीजिएगा, अलाइनमेंट राइट, सारा राइट में चला गया। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो अलाइनमेंट कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हाइट, रो की हाइट, हाइट बराबर चेंज करते हैं हम लोग, मान लीजिए एक बार कम लेके आपको बताता हूँ, 5 ही ले लेते हैं, कंट्रोल एस, अल्ट टैब की, विंडो में आए, F5 किया, फर्क थोड़ा और चेंज करेंगे, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, F5। तो हाइट जो है उसका जो बदलाव है वो हमें इसके अंदर, हाइट का कम चेंजेस था इसलिए हमें दिखाई कम दे रहा है, इसको हम ज़्यादा कर देते हैं। हाइट मैंने कितना ले लिया, 100 का लिया। अगर हम लोग 10 का ले रहे थे जैसे अभी, वापस से F5, और अब हमने इसको कितना ले लिया, 100 का। अब कंट्रोल एस, अल्ट टैब, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना फ़र्क पड़ेगा, F5। ये हमारे हाइट में इसके फ़र्क पड़ा है। तो रो से संबंधित हमने अलाइन कर लिया, हाइट कर लिया, और वर्टिकल अलाइनमेंट और हम लोग कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट, वी अलाइन, क्या नाम होगा, वी अलाइन। तो वी अलाइन कैसे करेंगे, हमने लिखा वी ALIGN, वर्टिकल अलाइनमेंट बराबर बॉटम, टॉप बॉटम, कंट्रोल एस, चेंज। अभी देखिए ये अभी मिडल में है, टॉप इस तरफ क्या होगा, बॉटम, F5 बॉटम में आ गया। तो ये हमने क्या किया, बॉटम करके इसको देख लिया। तो रो से संबंधित लाइन, हाइट, वी अलाइन हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉलम से संबंधित, कॉलम से संबंधित चेंजेस देखिएगा। अब हम लोग वापस हमारे कोडिंग पे आते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे कॉलम है TD। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे दो कॉलम को मर्ज करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पहले मैं कॉलम को करना चाहता हूँ तो मैंने क्या लिखा, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन बराबर 2। कॉलम के कितने के अंदर फर्क में आ जाएगा, 2 के अंदर फर्क आएगा। कॉलम स्पैन कितना ले लिया मैंने, 2, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, F5, कॉलम स्पैन। जो एज था, ध्यान दिया आपने, जो एज था, इसको मैं वापस हटा के बताता हूँ, ये हटा दिया हमने, ये था, ये एज एक कॉलम में था, यहाँ से यहाँ तक एज कितने कॉलम में आ जाएगा, 2 कॉलम। देखिए कॉलम स्पैन बराबर 2, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस जगह पे F5, 2 कॉलम के बराबर, ऊपर भी एज हो क्लास, नीचे भी एज हो क्लास, और इसने कितने कॉलम को कवर कर लिया, 2 कॉलम को कवर कर लिया। ये कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ अब क्लास की ज़रूरत नहीं है।
ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो कौन सा है, ये हमारी क्लास है। इस क्लास को हम लोग अब हटा सकते हैं, कंट्रोल एस एल्ट टैब आपने किया, F5 आपने किया, ये देखिए समझ में आ रहा है आपको आराम से, क्यों पहले उसको हमने रखा फिर आपको हटाया। अब ये देखिए ये एज पूरे दो कॉलम के बराबर हो गया इसी क्रम में। अब मैं आपको कॉलम स्पेन मैंने आपको बताया था, अब मैं इसको क्या बना दूंगा, रो स्पेन, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, रो स्पेन, ROW रो स्पेन कितने का ले लिया, दो का। इससे पहले मैं यहाँ पर वापस से क्लास को जोड़ दे, TD क्लास और TD ये एक नेम एज और क्लास और रो स्पेन मैंने ले लिया, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5 क्या हुआ, एज, एज पे लगाया था आपने, कितने कॉलम ले रहा है, दो ले रहा है, क्लास और एज दोनों को मर्ज करके। अब ये क्लास क्या आ रही है आपकी, एक्स्ट्रा आ रही है, कौन सी वाली एक्स्ट्रा आ रही है, नीचे वाली। ऐसे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका बढ़ रहा है एरिया, तो आपने इसको हटाया, नीचे वाले में गए, नीचे वाली रो के अंदर ये क्लास कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, इसको मैंने हटाया, कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब किया, F5 किया, ये देखिए अब एज ने कितनी रो ले ली, दो रो, एक रो जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने हटा दी। तो ये हमने क्या देखा आज, टेबल से संबंधित सारे एट्रीब्यूट हमने देखे। अब आते हैं हम लोग फ्रेम के बारे में, तो फ्रेम करने के लिए पहले हमें फ्रेम से करने के लिए यहाँ से सारे ऑप्शन हमें हटाने पड़ेंगे, ये हमने कॉलम के सारे टेबल के सारे ऑप्शन हटा दिए। अब हम लोग शामिल करते हैं फ्रेम को। फ्रेम क्या होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट जो होती है उसके अंदर फ्रेम बहुत ही अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को शो करना चाहते हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर हम यहाँ अलग मेन्यू बनाना चाहते हैं, यहाँ हमारा लोगो दिखाना चाहते हैं, इमेज दिखाना चाहते हैं, तो वो काम हम लोग या तो टेबल की मदद से करते हैं ताकि उस पोजीशन पे वो चीज़ हमारी दी जा सके और वहाँ पे बॉर्डर हम हटा देते हैं। और एक दूसरा जो तरीका होता है वो फ्रेम का होता है, जिसके द्वारा हम उसको उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको फ्रेम का यूज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम टॉपिक डाल लेते हैं फ्रेम, जो हमारा ऑप्शन है। तब फ्रेम के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, तो फ्रेम में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि एक तो बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉडी को हटा दिया वीडियो को पोज करके। और अब आप देखिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर फ्रेम बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा हमारे किसी भी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको हेड के बाद में ही, एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको बॉडी के अंदर फ्रेम और बॉडी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक यहाँ पर हेड के बाद में कोई भी मैटर आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे ही फ्रेम सेट आपको लेना है, फ्रेम सेट। और मैं अभी रो के अंदर डिवाइड करना आपको बता रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, रोज, और रोज बराबर कितना परसेंट आप ले रहे हैं, जैसे 10% हो गया, पहली जो रो है वो 10% आ जाएगी, दूसरी जो रो है वो 70% आ जाएगी, और तीसरी जो रो है वो 20% आ जाएगी, कुल मिला के ये सारा का सारा 100% हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आप स्टार का भी उपयोग ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसको यूज करना चाहते हैं। तो आपने बता दिया कि भाई जो पहली रो है वो 10% की होगी, फिर 70% की, फिर 20% की। अभी मैं आपको इसके अंदर ये लिया फ्रेम सेट रो, अब मैं आपको इससे फ्रेम लेकर बता रहा हूँ भाई कितने डिवाइडेशन कर रहे हैं हम, तीन फ्रेम के। तो हमने लिखा भी क्या, फ्रेम, उसका नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया रो वन उसको नाम दिया, और उसके बाद में आप उसमें कौन सी पिक्चर देखना चाहते हैं उसका पाथ आप SRC में दे सकते हैं।
वही मैं बात, आपको पिक्चर है या आपके जो भी कोई फ्रेम है या कोई वेबसाइट है उसका पाथ आप बना के वेबसाइट को बना के रख लेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट वेबसाइट जो आपको बनाने सिखाऊंगा उसके अंदर मैं फ्रेम का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाना आपको बताऊंगा, तो आप उससे पहले ये वीडियो देखकर ढंग से रखिएगा। SRC करके मैं एक बार पिक्चर का पाथ आपको दे रहा हूँ, तो पिक्चर ये है, ई नाम की मैंने पिक्चर ले रखी है, जी नाम की भी है। तो इन पिक्चर जो है और जो मेरी वेबसाइट जो है उन दोनों एक ही जगह पर है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही पूरा पाथ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, e.jpg आपने लिखा जो कि आपकी पिक्चर का नाम है, और उसके बाद में e.jpg लिखने के बाद में अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्लैश जो है वो आपको दूरी पर लगाना है। अगर आपने इसके साथ लगा दिया तो ये इसके पाथ में शामिल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा डिस्टेंस आप रखेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपने एक फ्रेम ले लिया, चाहो तो आप एक नाम रख सकते हैं, लेकिन आपको तीन फ्रेम हैं और तीनों के नाम जो है वो अलग अलग रखने हैं, क्योंकि मैं इससे संबंधित आपका आगे का टॉपिक और बताऊँगा। तो row 1, row 2 और row 3 तीन फ्रेम आपने ले लिए, और फ्रेम को आप फ्रेम सेट जो आपने स्टार्ट किया था, ये रहा आपने फ्रेम सेट स्टार्ट किया था यहाँ पर, इस फ्रेम सेट को आप यहाँ पर क्लोज करेंगे, तो आपने स्लैश फ्रेम सेट इसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस आपने किया, एस करने के बाद अल्ट टैब आपने किया, F5 आपने किया, तो तीन पिक्चर आपके सामने दिख रही है, तीन फ्रेम डिवाइड हुआ, एक 10% पे हुआ है, एक आपके 70% आपने एरिया लिया है और एक 20%, क्योंकि पिक्चर का पाथ आपने दे रखा है इसलिए पिक्चर को ले रहा है। फिर हम इसमें वेड्थ हाइट करके इसके फ्रेम के मार्जिन वेड्थ है, मार्जिन हाइट है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यूज करना आपको बता रहा हूँ। अब आप इसी तरह से देखिए कि अभी अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ स्क्रॉल आ रहे हैं, स्क्रॉल बार आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के दोनों तरफ आए जब तो आप रहने दीजिए, इसी तरह से आप बॉर्डर को लेना चाहते हैं तब तो आप रखिए, और अगर आप नहीं लेना चाहते बॉर्डर को तो आप बॉर्डर को भी हटा सकते हैं, स्क्रॉलिंग को भी हटा सकते हैं। हटाने का तरीका क्या रहेगा, आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि इससे पहले मैं लिख देता हूँ स्क्रॉलिंग, SCROLLING स्क्रॉलिंग बराबर नो, स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए, ऑटो भी रख सकते हो आप स्क्रॉलिंग, अगर ज़रूरत हो तब उसके अकॉर्डिंग आ जाए, अदरवाइज हट जाए। तो स्क्रॉलिंग आपने नो लिखी, कंट्रोल एस आपने किया, अल्ट टैब आपने किया, F5 आपने किया, एक की स्क्रॉलिंग हट गई, इसी तरह से दूसरे की स्क्रॉलिंग हटानी है तो आपने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, इसको कंट्रोल वी किया, और इसी तरह से यहाँ पर भी आपने इसको कंट्रोल वी किया, इस तरह से हो गया, कंट्रोल एस हो गया, अल्ट टैब हो गया, F5 हो गया, ये तीनों की स्क्रॉलिंग आपकी हट गई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्क्रॉलिंग रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। इसी तरह से सेम बॉर्डर है, जैसे इन सभी का बॉर्डर आप एक साथ हटाना चाहते हैं तब आप बॉर्डर जो है उसको आप जीरो कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आने के बाद में मैंने लिख लिया बॉर्डर बराबर जीरो, जैसे ही बॉर्डर बराबर मैंने जीरो लिखा, अल्ट टैब किया, F5 किया, तो ये बॉर्डर भी इसकी हट गई। अभी आपको एक पूरा वेबसाइट दिखेगा जबकि ये वेब पेज अलग अलग है, और इसकी मार्जिन विड्थ भी आप ऑटो कर लेते तो स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली भी आपके स्क्रॉल करता रहता, तो ये आपकी मर्जी पे रहे कि आप कैसे उसको शो करवाना चाह रहे हैं। अब आप आगे देखिए, अभी ये जो आपने डिवाइडेशन किया ये आपने रोज में किया है, अगर आप कॉलम में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, कैप्स कर लेते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स में करने के बाद में आप इसको देखेंगे तो ये F5 कॉलम के अंदर तीन डिवाइडेशन आपको कर देगा। स्क्रॉलिंग आप इसमें, क्योंकि पिक्चर बड़ी है तो बेटर ये रहेगा कि आप उसको पिक्चर को ऑटो रखें, अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसको अरेंज करके ये बता देगा, जैसे मैंने इसको ऑटो ले लिया, एक को और ऑटो ले लेते हैं, एक को नो रख लेते हैं हम लोग, तो ऑटो हमने ले लिया और कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, तो इस तरह से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पिक्चर को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये आपके शो करा देगा। तो एक तरह से एक पिक्चर को दिखाने के लिए अगर एग्जैक्ट आपने वेबसाइट बना रखी है तो आप उसको यहाँ पर इस तरह से शो करवा सकते हैं, और इसी तरह से ऊपर एक अलग रो और नीचे आप अलग रखना चाहते हैं तो
तो आपको पता है कि भाई पहले तो आपकी रो हो जाएगी, उसके अंदर आपको कॉलम की जरूरत पड़ रही है ना। तो आप देखिए कि जैसे आप डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, रोज़ 10% है, जो दूसरा जो 70% वाला है जो आपके फ्रेम हैं उसके अंदर आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने पेस्ट किया है इसको, तो ये हमारा एक फ्रेम सेट रो था 10% वाला, ये रही आपकी पिक्चर, 70% वाली ये रही आपकी पिक्चर। इसके अंदर मैंने रोज और डाल दिया जिसको मैं अब बदल रहा हूँ कॉलम्स के अंदर, COLS कॉलम्स। कॉलम्स भी मैं दो ले रहा हूँ, तो एक मैं ले लेता हूँ 20% का और एक मैं ले लेता हूँ 80% का। 80% का ले लिया और यहाँ से ये मैंने इसको हटा दिया, तो ये दो कॉलम हो जाएंगे मेरे। और एक का नाम कॉलम 1 रख लेते हैं हम लोग, ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई एक कॉलम है, और एक कॉलम 2 रख लेते हैं हम लोग। कॉलम 2 आपकी हो जाएगा, और इसका मतलब ये जो आपका फ्रेम सेट रो था उसके अंदर ये शुरू हुआ आपका, इस रो को हमने यहाँ जो बंद कर रखा था इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो इसको हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर इस जगह पे इसको हम लोग जो दो कॉलम हमने बनाए हैं इस तरह से स्लैश, अगर हम चाहें तो स्लैश फ्रेम सेट को हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमने एक फ्रेम सेट कॉलम वाला फ्रेम सेट कॉलम को बंद किया है। ये आपकी रो है और जो आपने फ्रेम है आपने शुरू किया है, इस फ्रेम को भी हम लोग यहाँ पर बंद कर लेते हैं, FREME फ्रेम। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो हम इस तरह से Ctrl+S हमने किया, Alt+Tab हमने किया, F5 हमने किया। तो ये एक डिवाइडेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। एक रो हो गया, फिर दूसरी रो आ गई, फिर दो कॉलम आपके आ गए, तो ये आपने डिवाइडेशन किया अपने अकॉर्डिंग किया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो देखिए, फ्रेम सेट रो था मेरा, तो इसमें 10% 70 और 20% 3 था। तो पहला ये 10% का हमारा एक पिक्चर आ गई, और जो दूसरा जो था जो कि 70% था इसके अंदर हमने फ्रेम सेट ले लिया जो कि कॉलम है। दूसरे किसके लिए है? 70% के लिए है, इस 70% के लिए, जिसे 20 और 80% के दो डिवाइडेशन हो जाएंगे। कॉलम 1 स्क्रॉलिंग ऑटो रखी हुई है, उसकी दोनों साइड एक ही पिक्चर ले रखी है, हम अलग अलग भी ले सकते हो, तीसरी रो आपकी पूरी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप डिवाइडेशन करके इसको अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह से एक ऊपर रो आ जाएगी जहाँ पर आप लोग शामिल कर सकते हैं हमारा लोगो, हमारी वेबसाइट का नाम हो गया, वो आप यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका मेन्यू आ जाएगा, जैसे अलग अलग तरह के अगर आप लिंक शामिल करना चाहते हैं, ये मैं करके आपको एक वेबसाइट में आपको करके बताऊंगा, और यहाँ पर आपकी मेन वेबसाइट रहेगी और यहाँ पर हमारे उससे जो हमारी वेबसाइट है उससे संबंधित जानकारी इसमें दी जाएगी। तो आज हमने बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हमने देखा है, जिसमें हमने टेबल है, टेबल में भी हम लोग डिवाइडेशन करके वेबसाइट को बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में, और फ्रेम में भी हम लोग इस तरह से वीडियो का डिवाइडेशन कर सकते हैं। आज के समय में जो चलता है वो iFrame भी चलता है, जिसमें हम अलग सा उसको शो करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे के मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।